स्वागत है आपका मेरे भक्ति में शक्ति चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ मीरा बाई की कहानी। मीरा बाई जो कि श्री कृष्ण की परम भक्त थी और उन्होंने कृष्ण के प्रेम में सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माता पिता, अपना पति, अपना घर संसार सब कुछ त्याग दिया था। तो ऐसी ही कहानी है मीरा बाई की। मीरा बाई की भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी ही चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। तो आइए हम जानते हैं मीरा बाई के जीवन की कुछ रोमांचक बातें। मीरा बाई के बालपन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि वह किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठा। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीरा बाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। मीरा बाई के बचपन में हुई थी एक घटना जिसकी वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुँच गया था। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात को देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इन पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर कहा दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात तो मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीरा बाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई थी। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती और भक्ति पूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। इस शादी के लिए उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। और शादी के बाद विदाई के समय वह कृष्ण मूर्ति को ही लेकर अपने साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल में घरेलू कामकाज को निपटाने के बाद में जब मीरा रोज कृष्ण मंदिर में चली जाती थी और कृष्ण की पूजा करती थी, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती थी, उनके ससुराल वाले तलुजा भवानी यानी कि दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा और भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीरा बाई के नंद और उदा बाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रखी। उसमें राणा जी से कहा कि मीरा का किसी और के साथ में गुप्त प्रेम है और उनसे मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा गया है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया और वहीं मंदिर के दरवाजे को तोड़कर जब वह अंदर पहुंचता है तो देखता है कि मीरा अकेले ही कृष्ण मूर्ति के सामने परमानंद अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही है और मस्ती से गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाए कि मीरा, तुम जैसी प्रेमी से अभी बातें कर रही हो, वह उसे मेरे सामने लेकर आओ। तब मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरे स्वामी नेन चोर जिसने कि मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने अपने पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। कृष्ण के पति मीरा का प्रेम शुरुआत में तो बेहद ही निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में भी नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर की में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। और मीरा का देवर विक्रमादित्य
जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना था वह बहुत ही कठोर था। मीरा की भक्ति उनको आम लोगों के साथ में घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसे कड़ा ही विरोध किया। उसने मीरा को मारने के लिए कई बार कोशिश करी। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित करते हैं और अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदाय में नन बने दीक्षा के पाने के लिए लड़कियां पहले जीनसस के साथ विवाह करती हैं। यहां तक कि एक बार जब मीरा ने के पास में फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि ये टोकरी में फूलों के हार हैं, तो ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसने फूलों के हार के साथ कृष्ण जी की एक सुंदर मूर्ति को निकाली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों की सेज बन जाता है। जब मीरा उस पर सोने चली जाती है तब यातनाएं बर्दाश्त के बाहर हो गए तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया और वे पहले तो मेड़ तह गई और लेकिन उन्हें वहां भी कोई संतोष नहीं मिला। तो कुछ समय के बाद में उन्होंने कृष्ण भक्ति केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने तो अपना तीर्थ यात्रा जारी रखी और वे एक गांव से दूसरे गांव में नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम समय कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने ही मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा जाती हैं। मीरा के लिए कई प्रश्न और भ्रम नहीं हकीकतें। इंसान आम तौर पर शरीर और मन बहुत ही सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर और मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना ही किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ को समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई ही संप्रदाय में नन बने हुए दीक्षा पाने के लिए लड़कियों से पहले जीनसस के साथ में विवाह करती हैं और कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन, भावनाओं के परे है। एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया है जो बिल्कुल अलग था और जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीरा बाई थी जो कि कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में ही उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया और उनके भावों और तीव्र इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए थे। यह मीरा के लिए कोई मति भ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ में उठते थे, बैठते थे, घूमते थे। ऐसे मीरा के पति को उनके साथ में दिक्कत होने लगी क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ में ही रहती थी। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ में संभोग भी किया। उनके पति ने हर संभव कोशिश करी यह सब समझने की क्योंकि वह मीरा को वाकई में प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी, उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत ही वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नज़र नहीं आता था। वह इतना निराश हो गए कि एक दिन उन्होंने खुद को ही नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह ही पोशाक पहनकर मीरा के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और उसके शरीर पर चकते निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द लोगों के शुरुआत में बड़े ही चकराए कि आखिर मीरा का क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम सीमा की ऊंचाइयों तक पहुंच गया तब लोगों को समझ में आया कि वह तो एक असाधारण औरत नहीं है। लोगों ने उनका आदर करने में लगे। यह देख कर कि वह ऐसी चीज कर सकती हैं जो कोई नहीं कर सकता, उनके आसपास में भीड़ इकट्ठी होने लगी। मीरा ने जब जवाब दिया, वह सामने बैठा है, वह मेरे स्वामी नैनोचर हैं।
पति के मरने के बाद में मीरा व्यभिचारी का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचारी के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, इसीलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया और उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दिए कि लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। और इस तरह की कई घटनाएं हुई जिसमें दरअसल भक्ति में ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से ही खाली कर देती है। जब भी मैं भक्ति करती हूँ तो मैं किसी की शरण या फिर धारणा में विश्वास की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। तो सवाल उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूँ? आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भी भरोसा ही है। यह गोल धरती बड़ी ही तेजी से दूरी पर सूरज और चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक यह धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले तो हो सकता है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से छटक कर कहीं और चले जाएं। आप नहीं जानते आप कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप आराम से बैठे और मुस्कुराएं, दूसरों की बातें करें, दूसरों से बातें करें और इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत होती है, लेकिन यह सब आप अनजाने में ही बिना प्रेम भाव से कर रहे हैं। इस भरोसे को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ में करनी सीखिए। यदि भक्ति सच्ची है तो उस पर विश्वास रखें और भक्ति में लीन हो जाएं। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मीरा बाई की, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।